है गाइस, कैसे हो आप लोग। मैं हूँ प्रवीण और आज हम बात करेंगे आपने इस वीडियो में अमेज़न प्राइम के सब्सक्रिप्शन को अनसब्सक्राइब कैसे करें। क्योंकि क्या होता है, बहुत जनों ने ले तो लिया है फ्री में, एक मंथ का लॉकडाउन के हिसाब से फ्री मिला था कि आप एक महीना फ्री यूज़ कर सकते हो। फिर बाद में क्या हुआ कि उन्हें फिर चार्जेस लगने लगा तो क्या करेंगे, वो सोच के परेशान हो गए। तो हम क्या करेंगे, अभी हम अपने अमेज़न प्राइम में जाएंगे, पता है कि कौन से अमेज़न प्राइम है जिसके लिए आपको दिक्कत आ रही है। तो ये देखते हैं, प्राइम मेरे डिस्प्ले पर अमेज़न प्राइम है, इसे हम खोलते हैं। खोलते के अमेज़न प्राइम क्या होता है कि ये मूवीज़ का सेक्शन होता है जहाँ पे आप मूवीज़, टीवी शोज़ या किड शोज़ देख सकते हैं, कोई भी लैंग्वेजेस की आप घर बैठे देख सकते हैं, कहीं भी और कहाँ भी किधर भी। इसका कुछ पैकेज होता है 199 मंथली होता है, ईयरली कुछ होता है 1000 कुछ होता है, 700 होता है। तो ये हम सब्सक्रिप्शन हम ढूंढते हैं, हमें अनसब्सक्राइब करने का कोई ऑप्शन मिलता नहीं है अमेज़न प्राइम में, तो हम परेशान होते करें क्या। तो हम इस टॉपिक के बारे में आपको डिटेल बताएं कि कहाँ से आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं और क्या क्या आपको करना है जिससे आपका ये आपको नेक्स्ट मंथ का जो चार्जेस है बंद हो जाएगा। तो ये मेरे भाई का मोबाइल है, इसमें मैंने सोचा आप अमेज़न प्राइम का लिया तो उसको कैंसिल करना था, तो सर क्यों माना। तो आप क्या करें, अमेज़न खोलना है आपको, अमेज़न पे जो आप शॉपिंग करते हैं उसको बोलते हैं अमेज़न, ऐप खोलना है आपको। ऐप खोलने आपको देख सकते हैं शॉपिंग ऐप है, तो आप सोचें इसमें कैसे हो सकता है। तो इसमें हो सकता है आपको क्या करना है, आपको लेफ्ट हैंड में देख सकते हैं 3 डॉट है, डॉट पे आके आपको कहाँ नीचे आना है। नीचे आने के बाद आप सेक्शन ढूंढोगे भाई कहाँ पर है, अमेज़न पे है या अकाउंट है या फिर अमेज़न। तो मैंने सोचा क्यों ना प्रोग्राम से फीचर में जाकर देखें, क्योंकि प्रोग्राम पिक्चर का होता तो बहुत सस्ता होता, मैंने सोचा ढूंढा मुझे मिला नहीं इसमें। फिर मैं बैक किया, पैक करके वापस में देखा, फिर योर ऑर्डर पर आता हूँ, योर ऑर्डर पर गया। तो योर ऑर्डर पर आकर मैं कुछ इस तरह का देखने मिला मुझे कि भाई ये जो ऐप्स है, ये जो मंथली जो चार्जेस कटे हैं मेरे 199 के हिसाब से, 1, 2, 3, 4 महीने के पैसे कट चुके हैं। तो मैं वापस पीछे गया था, वापस से क्या देख सकते हैं मैसेज, सॉरी कब देख सकते हैं हम क्या करना है, हमें मैनेज प्राइम मेंबरशिप, मेंबरशिप एंड सब्सक्रिप्शन, उसमें आना आपको उस मेंबरशिप एंड सब्सक्रिप्शन आना, फिर वापस देखो मेंबरशिप एंड सब्सक्रिप्शन, ये खुल गया है हमारा। तो हम इस पर देख सकते हैं हमारा प्राइम कश्मीर ऑलरेडी हो चुका है, जो लागू है पैसा देना पड़ रहा है। तो हम क्या करें, एंड आप देख सकते हैं कुछ ऑप्शन दिया गया है इसमें, आपको आपको क्या करना है, नीचे आना है। नीचे आने का आपको पेमेंट हिस्ट्री दिया है, पेमेंट ऑप्शन दिया है, पेमेंट हिस्ट्री दिया है, ध्यान से रखना कि ये आपको पेज ही खोलना है, आपका एक दूसरा पेज ना खोल दे, उससे आपकी गलती हो सकती है फिर से। तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन देख सकते हैं, मेंबर इन्फॉर्मेशन है, नीचे पेमेंट ऑप्शन दिया है, और नीचे आपके जो बहुत सारे ऑप्शन दिए गए थे मैं सब चेक कर रहा था ताकि कहीं मिस ना हो जाए, आपकी हाथ से कोई गलती ना हो जाए। तो पेमेंट ऑप्शन पे आपको जाना है, तो आप देख सकते हैं पेमेंट ऑप्शन क्या बताया गया कि आपको 999 पर ईयर का देना है और आप मंथली करते हो 129 देना। तो आपको ये नहीं करना, हमें करना है एंड मेंबरशिप सब्सक्रिप्शन है, तो हम करते हैं एंड मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन में आ गया। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का पेज खुलने मिल सकता है आपको, कीप माय मेंबरशिप, कंटिन्यू टू कैंसिल और रिमाइंड मी लेटर। अगर आपका मंथली आपका समझो इस ये जो मैं कर रहा हूँ इसमें 25 लास्ट डेट है और मुझे अगर अभी करना है तो मैं अभी कर सकता हूँ, और आपको लेट करना है तो आपको रिमाइंड करना है, तो रिमाइंडर आप रखोगे तो आप कर सकते हो, भूल गए तो फिर आपके पैसे वेस्ट। तो ये देख सकते हैं आप इस तरह का काम करता ही है। तो आपको क्या करना है, आपको अभी खोलना है इसमें कंटिन्यू टू कैंसिल, अभी कैंसिल करने का कुछ आपको इस तरह का मोन स्विच टू दिया है, आप कर सकते हैं इसको, या फिर आप ईयरली पैक ले सकते हैं। तो हमें फिलहाल तो ईयरली पैक चाहिए नहीं है, स्विच टू ईयरली पैक एंड सेम मोड नहीं करना मुझे, मैं अभी अनसेव सब्सक्राइब करना है। तो मैं नीचे जाता हूँ, नीचे देख सकते हो आप ध्यान देना, फिर से इसमें पूछा गया है कि मैं मेंबरशिप आपको सिर्फ कंटिन्यू टू कैंसिल डवाना है आपको। तो हम क्या करें, कंटिन्यू कैंसिल डवा दिया। अभी थर्ड स्टेप जो है वो है एंड ऑन मार्च 25, 2001 या 25 तारीख को कैंसिल होने वाला है, ख़त्म होने वाला है मंथ, फिर आप कह सकते हैं तो मैं नहीं अभी ख़त्म करना मुझे है। तो मैंने फिर क्या किया, आप देख सकते हैं योर बेनिफिट विल बी एंटेड इमीडिएटली एंड यू विल बी रिफंडेड 129 रुपीज़। अगर मैं अभी करता हूँ तो मुझे 129 रुपीज़ वापस मिलेगा, तो मुझे मेंबरशिप नहीं चाहिए फिलहाल, तो मैं इसको एंड कर देता हूँ। तो हम एंड कर देते हैं इसको, एंड करने के बाद तो आप देख सकते हैं इस तरह से आपकी जो है प्राइम मेंबरशिप कैंसल्ड, योर प्राइम मेंबरशिप हैज़ बीन कैंसल्ड एंड योर रिफंडेड विल बी प्रोसेस्ड इन 3 to 5 days, यू मे रिजॉइन प्राइम एट एनी टाइम, जो हमें नहीं करना है। क्योंकि आप हमारा वीडियो इस टॉपिक ये है कि हमें अनसब्सक्राइब कैसे करना है, मेंबरशिप कैंसिल कैसे करना है जिससे हमारे 128 मंथली बच जाए। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह का ये काम करता है एप्लीकेशन का, जो अनसब्सक्राइब हम ढूंढते हैं बहुत बार अमेज़न प्राइम पे हमें मिलता नहीं है, तो वहाँ से नहीं होता, ये कैंसिल होता है अमेज़न ऐप में से होता है, जहाँ से हम शॉपिंग करते हैं उस ऐप में आके ये कैंसिल होता है मेंबरशिप। तो उम्मीद आपको वीडियो पसंद आएगी, हम मिलेगा अपने स्टूडियो में। चैन वंदे मातरम, मिलते हैं आपको नेक्स्ट स्टूडियो।